स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने गोरखपुर के मरीन ड्राइव पर जो है एक और नई सौगात मिलने जा रही है तो उसका नाम है जेसार प्लाजा और जेसार प्लाजा में क्या क्या खुलने वाला है तो गैज मैं आपको बता दूँ कि उस जेसार प्लाजा में जो है मैकडोनल्ड के और डोमिनोज के भी आउटलेट अब जो है कि खुलने जा रहे हैं तो आज मैं आपको उसका पूरा पूरा कंस्ट्रक्शन साइट में आपको दिखाने वाला हूं और वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको आगे भी गोरखपुर में जो भी डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं उन सभी प्रोजेक्ट पर वीडियो देखने को मिलती रहे तो गाइज अभी हमें गोरखपुर के मरीन ड्राइव पर अभी हम ट्रेवल कर रहे हैं और आपको मैं बता दूं कि जे एस आर प्लाज़ा का, का काम तो चूंकि पिछले साल ही कंप्लीट हो जाना था लेकिन किसी कारणवश काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया था लेकिन अब फाइनली जो है अब उसका काम काफ़ी तेज़ कर दिया गया है और अगले दो से तीन महीने के अंदर अंदर जे प्लाजा जो है पूरी तरह से बनकर रेडी होने वाला है और आज मैं आपको जे प्लाजा के अलावा फ़्लोटिंग रेस्टोरेंट पर भी अपडेट दूंगा कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का कितना काम हो चुका है तो भाई ये जो आप वीडियो देख पा रहे हो तो यही है उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और इससे बड़ा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा पूरे नॉर्थ इंडिया में तो ये काफ़ी बड़ी सौगात होने वाली है गोरखपुर वासियों के लिए कि अब उनको अपने ही शहर में रामगढ़ झील में जो है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का तोहफ़ा जो है कि मिलने जा रहा है और इसका कितना काम हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 90 फीसदी काम इसका पूरा कर लिया गया है और अगले 10-15 दिन के अंदर जो है इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की ग्रैंड ओपनिंग हो सकती है बट फिर भी बट उतना देखकर नहीं लग रहा है कि इतनी जल्दी ओपनिंग हो पाएगी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक महीने का समय भी और लगने वाला है चूँकि न्यूज़पेपर वाले जैसा बताए थे कि अगले दस पंद्रह दिन में इसकी ओपनिंग होने वाली है तो लेकिन मुझे इस करेंट स्टेटस देख कर ऐसा नहीं लग रहा है और ये है इस गोरखपुर का लेक क्वीन क्रूज तो अब तो गोरखपुर को अभी तक क्रूज का सौगात मिला था लेकिन अब अपने शहरवासियों को फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का भी तोहफा मिलने जा रहा है और ये देखो देखोगाइज यही बन रहा है जेसार प्लाजा काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में उसका निर्माण कार्य कराया जा रहा है और इस जेसार प्लाजा में आ रहा है केफ डोमिनोज मैकडोनल्ड और इसके अलावा और भी तमाम कई सारे फूड आउटलेट जो है इसी गोरखपुर के नौका विहार पे दस्तक देने वाले हैं और आप ये देख पा रहे हो प्रेजेंट टाइम में ये कंस्ट्रक्शन में है और काम जो है इसका काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दिया गया है जबकि अभी से तीन चार महीना पहले की अगर बात की जाए तो काम बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ था लेकिन एक बार फिर से इसके कंस्ट्रक्शन वर्क में काफ़ी ज़्यादा तेजी आ चुकी है और अगले दो तीन महीने का समय बस और लगने वाला है उसके बाद ये जे प्लाजा जो है पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो अब जो भी नौका विहार गोरखपुर मरी ड्राइव के आसपास जो भी अगर यहाँ पर घूमने आते हैं तो अब उनको शहर के किसी और एरियाज में नहीं जाना पड़ेगा उनको यहीं पर हर ब्रांड के हर बड़े ब्रांड के फूड आउटलेट्स जो हैं यहीं पर अब उनको उपलब्ध होंगे जैसे कि के डोमिनोज मैकडोनल्ड पिज़्ज़ा हट जैसी जो भी फूड आउटलेट चैन हैं अब वो इसी नौका विहार के जे प्लाजा में अपना आउटलेट खोलने जा रही हैं तो ये भी काफ़ी खुशी की बात है और ये जो आप इमेज में देख पा रहे हो तो यही है जे प्लाजा का थ्री डिज़ाइन है और डिजाइन देखने में काफ़ी ज़्यादा भव्य और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है और इस जे प्लाजा में अंदर और बाहर की तरफ यानी दोनों तरफ जो है कि बैठने की सुविधा रहेगी तो ये काफ़ी ज़्यादा इसको सुंदर बनाया जाएगा इसके साथ साथ पाम ट्री भी लगाए जाएंगे इस जे एस आर प्लाजा के ठीक सामने की तरफ ताकि और ज्यादा इसको सुंदर और भव्य लुक दिया जा सके और ठीक इसी जे एस आर प्लाजा के सामने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का भी काम तेजी के साथ चल रहा है और जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट गाइस बन रहा है वह 24 घंटे चलने वाला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी होगा तो पूरी रात चहल पहल इस इलाके में भी अब देखने को मिलेगी ऐसे तो नॉर्मली गोरखपुर के मरीन ड्राइव पर तो रात में एक दो बजे तक भी चहल पहल रहती है लेकिन अब और भी जो भी नई नई चीज़ें अब यहाँ पर जब खुल जाएंगी तब और भी ज़्यादा क्राउड अब जो है कि बढ़ने वाला है और यही है जेसार प्लाजा का थ्री इमेज जैसे ही बनकर कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ इसी तरह का लुक उसको दिया जाएगा तो गाइज़ आज वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में फिर किसी नए अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हिंद